Hello friends, this is your one and only bodybuilding doctor, Dr. Nikhil Tari. This is our fourth episode of PhD in Muscle Pump Supplements. अभी तक आपने देखा है इंट्रोडक्शन टू नाइट्रिक ऑक्साइड, आर्जिनाइन, सिट्रुलिन और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्मेटिन के बारे में. इट इज नॉट सो पॉपुलर सप्लीमेंट्स, सो लेट्स सी एग्मेटिन क्या है, कैसे काम करता है, उसकी डोजिंग क्या है और उसके साइड इफेक्ट्स क्या है. सो लेट्स बिगिन. एग्मेटिन, इट इज अ मेटाबोलाइट ऑफ एल आर्जिनाइन. एल आर्जिनाइन का वो एक मेटाबोलाइट है, यानी एल आर्जिनाइन इज कन्वर्टेड टू एग्मेटिन. फिर एग्मेटिन सल्फेट फॉर्म में हमको मिलता है सप्लीमेंट्स में. एग्मेटिन सल्फेट होना चाहिए सप्लीमेंट के लेबल के ऊपर. 1910 में एल्बरेक्ट कॉसेल ने उसका इन्वेंशन डिस्कवरी किया था, उसको एक्सट्रैक्ट किया था. इसके बेनिफिट्स क्या है हमको, एक तो न्यूरो ट्रांसमिशन अच्छा कर देता है, ब्रेन और मसल का कंडक्शन अच्छा कर देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ा देता है, प्रिवेंट्स ब्रेकडाउन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड. नाइट्रिक ऑक्साइड का ब्रेकडाउन कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपको ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है. इम्प्रूव्स किडनी फंक्शन, न्यूरोपैथिक पेन कम कर देता है, ड्रग एडिक्शन कम कर देता है. इट इज़ यूज इन ड्रग एडिक्शंस टू. हार्ट के बेनिफिट्स हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर कम रखना, ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा रखना. तो दीज आर द बेनिफिट्स. इसके सोर्सेस क्या है, सोर्सेस आर फर्मेंटेड फूड, वाइन, बियर, कॉफी, मीट प्रोडक्ट्स एंड फिश. इसकी डोजिंग क्या है, इसकी डोजिंग है 1300 mg से लेके 2670 mg, वन शॉट अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक. इसको आप कोई भी फूड प्रोडक्ट के साथ में मत लीजिएगा. इसका अगर आपको पूरा बेनिफिट है, इट शुड बी टेकन फर्स्ट थिंग एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग. इसका हाफ लाइफ है 10 मिनट्स, यानी आप जैसे उसको लेते हैं 10 मिनट में उसका काम खत्म हो जाता है. बट स्टेज इन ब्रेन फॉर मोर देन 12 आवर्स. सो सप्लीमेंट कंपनीज ये दावा करते हैं इट गिव्स यू प्रोलॉन्ग पम्प्स, यानी आपके जो मसल पम्प्स है जिम में जो आपको पम्प्स मिलते हैं काफ़ी लंबे समय तक इट इज मेंटेन. इसके साइड इफेक्ट्स, देर इज नो नोन साइड इफेक्ट्स आर वेरी रेयर एंड प्रॉब्लम. सी एग्मेटिन इज न्यू टू आवर फील्ड एंड इसको लेके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है. जैसे कि मोस्ट ऑफ द रिसर्च जो हुआ है दोज आर डन ऑन आईवी ड्रग्स नॉट ऑन ओरल सप्लीमेंट्स. सो एग्मेटिन का मोस्ट ऑफ द रिसर्च जो गया है वो आईवी मेडिसिन थ्रू हुआ है. सेकेंड, एनिमल रिसर्च, बहुत सारा डेटा जो है एनिमल रिसर्च को लेके है, वेरी लेस डेटा ऑफ ह्यूमन रिसर्च, मीन्स ह्यूमन रिसर्च बहुत कम हुआ है. सो ये अभी एग्मेटिन जो सप्लीमेंट है अभी ग्रोइंग है, अभी तक वो 100% नहीं है. देन ऑल्सो सप्लीमेंट कंपनीज बहुत कुछ क्लेम करते हैं. अगर आपने एग्मेटिन लिया है तो आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा. दैट्स इट फॉर द एग्मेटिन. स्टे ट्यून्ड फॉर द फिफ्थ एपिसोड, डॉक्टर निखिल्स टिप फॉर द मसल पम्प. सो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइए. अगर पसंद आया तो प्रेस द लाइक बटन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल. देयर इज लॉट मोर टू कम. टिल देन, बाय.